आपने गोश्त में कितने मसाले डाले हैं अंदाजा? इनसे तो कम डाले हैं, ये जो पीढ़ियाँ मैंने। आपने कितने मसाले डाले हैं? चार पाँच। पाँच। फैक्ट्रियाँ बंद थी, बड़ी बड़ी मिलें जो है ना बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस फलां क्राइसिस, मजदूर मार रहा था, गरीब तो तब मार रहे थे। सबसे बड़ी बात, ईमानदार है, ठीक है, करप्शन जीरो। इसने उनकी हुकूमत में करप्शन उन पे साबित किया। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई, क्या कहेंगे जिस तरह आप यहाँ फैसलाबाद में गट वाली पार्क में गोश्त बना रहे हैं, इस तरह अपोजिशन ने भी इस वक्त एक हंडिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम MPA MNA हुकूमत के तोड़ तोड़ के उसमें डाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, वो उनकी हंडिया मुझे ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो वो हक पे है जिसके ख़िलाफ़ वो हंडिया बना रहे हैं, और दूसरा इस साइड पे सारे गंदे अंडे हैं और गंदे अंडों से गंदी हंडिया बनती है। सर लेकिन खान साहब जो हुकूमत बनाई तो शुरू में यही गंदे अंडे जो थे वो PTI में आए और उन्होंने PTI का रुमाल अपने गले में डाला। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में हमारी जो कौम है ना, वो वोट ही उनको देती है जो बंदे रस्सागीर हों, ठीक है, थाने कचहरियों में दो नंबरियों में जा सकते हो, शरीफ बंदा तो जाता नहीं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्हीं बंदों को चूज़ करना पड़ना था ना। मेन बंदा जो इमरान खान था ना, वो बेस्ट था, जो उसने बेस्ट पहले खेला, इतना अच्छा खेला, हमें कोरोना में बचा लिया, सारी दुनिया सिंध का हाल देख लें, वहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो सकी, तबाही हो गई, ठीक है। इंटरनेशनली आप चेक करें, सारी दुनिया जो है, अमेरिका जो है वो कहाँ पे चला गया, उन घुटनों पे आ गया था कोरोना में, लेकिन पाकिस्तान को बचा गया वो गरीब आवाम को। आपको लगता है कि अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई एक रीज़न? सर जरदारी साहब ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है और आपको पता है कि जब जरदारी साहब किसी भी गेम में इंटरफेयर करें तो वो चीज़ कभी नाकाम नहीं हुई। सर बात ये है कि वो आप ठीक है, टेक्निकल्स को आप देखें, वो दूसरी साइड को जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मारने वाले से ना बचाने वाला बड़ा, ठीक है, जो हक पे है ना, हम तो उसी के सपोर्टर हैं, अल्लाह ताला खैर करे हमारी आवाम के लिए। वो बंदा बगैर किसी मफाद के जो लगा हुआ डटा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम भी पूरे उम्मीद हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम पूरे उम्मीद ही रहेंगे, और ये जो मतलब साजिशें करने वाले हैं वो तो सारी दुनिया उनके साथ मिली हुई है। इमरान खान ने मेरे नबी का नाम रोशन किया इंटरनेशनली, अक्वामे मुत्तहिदा में किसी में इतने गट्स नहीं है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को कोई डिस्कस कर सके, तो उसने 57 मिनट जो है ना वो लगाए, जो कि उसके टाइम से बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और चीज़ तो सर बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली है और ये आज तक कोई लीडर नहीं कर सका, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के जो गरीब आदमी है उसके पास तो सुबह का है तो शाम का नहीं है, दो टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा, आप इस वक्त पार्क में गोश्त बना रहे हैं तो आप कैसे खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि गरीब आदमी कहना है कि खान साहब ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। सर खान साहब ने कैसे बर्बाद किया, आप पिछली हुकूमतों का चेक करें, 2018 से पहले का सारा हिसाब किताब आप नोट करें, आपको पता चलेगा इधर टायर जलाए जाते थे गर्मियों में, फैक्ट्रियां बंद थी, बड़ी बड़ी मिलें जो है ना बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस फलां क्राइसिस, मजदूर मार रहा था, गरीब तो तब मार रहे थे, अब टेक्सटाइल इसमें परवान चढ़ा है, इसमें गरीब लोगों को वो रोज़ी मिलनी शुरू हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे इसने काम शुरू किया है, ठीक है, जो मेन बेसिक है हम फैक्ट्री वगैरह तो ये मियाँ साहब के दौर में सारा स्टार्ट हो गया था, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल नहीं सर, फिर ये ना हम वही है ना जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी जो आवाम है ना इनकी याददाश्त कम है, जो जैसे वो सियासतदान कहते हैं ना कि ये भूल जाएंगे कुछ अरसे बाद, एक नया हम सोशा खड़ा करेंगे और उसके बाद ये पिछले को भूल जाएंगे। लास्ट में एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, PTI के जो MNA इस वक्त अपोजिशन की गोद में जाके बैठ चुके हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ बोलियाँ लगी हुई हैं, हुकूमत का भी कहना है और कुछ कॉल भी लीक हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे, और खान साहब के आप कोई ज़बरदस्त सपोर्टर लग रहे हैं आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, उन तमाम MNA के लिए क्या मैसेज है एज अ PTI वर्कर? सर मैं ना सियासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, ठीक है, मैं उन लोगों में से हूँ जो 85% हैं जिनकी राय बीच में शामिल नहीं होती, ठीक है, 85% लोग जो जेन्युइन पाकिस्तान के जो इसमें रहना चाहते हैं और हलाल कमाना चाहते हैं और दो नंबरी नहीं करते और रस्सागीरों के साथ माफियाज का हिस्सा नहीं है ना, उन लोगों में से हूँ मैं जो उनका हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज़ यही है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो 15% लोग जो मतलब सियासत में भी आते हैं और दूसरे सारे मामलात में करके सिलेक्शन के लिए भी कंसीडर होते हैं, ठीक है, उन लोगों को अब अगर आप करेंगे ना वो ये टेक्निकल सुनाएंगे कि जी इस तरह ठीक है इस तरह ठीक है, सबसे बड़ी बात
ईमानदार है, ठीक है, करप्शन ज़ीरो। इसने उनकी हुकूमत में करप्शन उन पर साबित किया, वो अपनी हुकूमत में होते हुए इसे करप्ट साबित कर देते, इसे दो नंबर साबित करते किसी भी तरीके से, या किसी जगह पे फेल नहीं है, 100% इसने अपना दिया और आवाम सेटिस्फाई है। अगर आप 100% पाकिस्तानियों के रिव्यूज़ लें ना तो 85% इमरान खान के हक में होंगे। आपने गोश्त में कितने मिसालें डाले अंदाज़ा? इनसे तो कम डाले हैं, ये जो पीढ़ियाँ मैंने, आपने कितने मिसालें डाले हैं? 4-5 अगर अपोजिशन वाले जितने मिसालें डाल रहे हैं वो मिसालों का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जो हंडिया बन रही है? सर वो असर बनेगा लेकिन नेगेटिव बनेगा, पेट ही खराब होगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम।